अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट गो ग्रीन से। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत डिफिनबाजिया के प्लांट से मिलवा रही हूं। इसका कलर और वेरिएशन देखने के काबिल है। इसके अलावा मेरे पास एक और भी स्पीसीज है जिसकी हाफ पत्ती वेरिएटेड है। ये भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे रन गार्डन में पेड़ों के दरमियान पड़ा हुआ था, जिसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से लैगी लैगी हो गया है। और मैं इसको काट के इसके कई प्लांट बनाऊंगी। और ये एक और वैरायटी है जो छोटी है, ड्राफ्ट के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा एक ये वैरायटी जो है वो सब जगह पाई जाती है, आप देख सकते हैं इसकी वैरायटी। और ये बहुत ज़्यादा टाल भी हो जाता है अगर ज़मीन में लगा हो तो, और अगर गमले में है तो ये लिमिट में रहता है। तो बात करते हैं निफनबाजिया के प्लांट से। इसको सेमी शेड पसंद है और ये डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जल जाते हैं। इसको थोड़ा पानी पसंद है और बहुत नेक और सीधा साधा प्लांट है जिसको ज़्यादा डिमांड नहीं है। लो लाइट में बढ़िया कलर आते हैं, छोटी बड़ी हल्की गहरी पत्तियों का पेड़ है और एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है। अगर ये लैगी हो जाए तो इसके लिए स्टिक लगा देते हैं ताकि ये सीधा सीधा चलता रहे। अब हमें इसकी हमें एक मल्टीप्लाई करना है तो हम इसका इंतज़ार करेंगे कि इसका पप निकले, तो हम उसको आराम से निकाल कर और दूसरी जगह लगा दें। इसकी हम कटिंग करेंगे तो ये इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा लैगी हो जाएगा तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो ये इस कंडीशन में नहीं है कि इसकी कटिंग की जा सके। और ये वाला जो है इसकी हम कटिंग करेंगे क्योंकि इसकी नीचे की पत्तियां सब गायब हो गई हैं और ये लैगी सा हो गया है। इसकी मैं कटिंग करके इसके 2 पीस करके मैं इसके दो पेड़ तैयार करूँगी। इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं यहाँ से काट लूँगी। ये है मेरा पेड़ जिसको मैंने कट कर लिया है और जिसको हम दोबारा इसको हम यहीं पर इसी के साथ लगा देंगे। और ये इतनी आसानी से हो जाएगा, हमारे 2 प्लांट इस तरह तैयार हो जाएंगे कि एक तो हमारा ये कट करके ये यहीं से इसमें पत्तियां निकलने लगेंगी और ये जो है इसको हम यहाँ से लगा देंगे। और ये लगी गया है तकरीबन, थोड़ा सा पेस्टिसाइड और मैं इसके कुछ डाल दूँगी वर्मी कंपोस्ट, जिससे ये और अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इसी तरह से बहुत आसानी से हो जाता है। अब इसकी 2 पत्तियाँ यहाँ निकलेंगी, यहाँ से इसका फुटाव शुरू होगा क्योंकि इसकी जड़ मिट्टी के अंदर है और ये यहाँ से जड़ बना लेगा। तो इस तरह से मेरा पेड़ बुशी भी हो जाएगा और ख़ूबसूरत भी लगने लगेगा और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। ये प्लांट जो है ये ड्राफ्ट ही रहेगा, ये बहुत 1.5 साल से मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन ये इतना ही छोटा है, ये नहीं बड़ा है, ये छोटा ही इसका फॉलेज बढ़ जाएगा लेकिन नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने इस खूबसूरत प्लांट के ऊपर जिसको देखने से दिल ही नहीं भरता। और ये डार्क ग्रीन पत्तों के बीच में इतना खूबसूरत इसका कलर दिखाई देता है कि एक अलग ही लुक देता है। इसके लिए रेतीली मिट्टी की ज़रूरत है और हमें किसी भी फर्टिलाइज़र की और किसी भी तरह की अलग अलग रंग की मिट्टियों की भी ज़रूरत नहीं है, ना इसमें परलाइट की ज़रूरत है, ना पीट मॉस और कोकोपीट की। सिर्फ हम इसको मिट्टी के अंदर, जैसे मैंने अभी जड़ लगाई है आपको लगाना बताया है, इसी तरह से लगा देंगे और ये हो जाएगा। स्मॉल कंटेनर में ही हो जाएगा। और ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, इसका टेम्परेचर भी ये काफ़ी टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेता है
और लोग कहते हैं इसको पर लाइट और सेमी शेड और अलग अलग चीज़ें बताते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत आसानी से इसको सिर्फ सीधी सारी गार्डन मिट्टी में अपने इसको उगा लिया है और ये इतना बड़ा हो गया है। अब मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी लीव्स जो हैं वो गल जाएंगी और इसकी जड़ ख़राब हो जाएगी। बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब भी हम पेड़ को देखें और उसके अंदर थोड़ी सी लकड़ी को स्टिक को दबाकर देखें अगर ये सूख जाए तब हमें पानी देना है। अब आप देख रहे हैं इसकी मिट्टी बिल्कुल नम है, इसके अंदर पानी रुका हुआ नहीं है और इसमें मैंने थोड़ा सा पेस्टिसाइड भी डाल रखा है। बस ये ऐसे ही चलता रहेगा, 8-10 दिन के बाद इसमें कहीं पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हल्के से मैं इसको दे दूँगी पानी। इसी तरह से ये प्लांट है, ये तो हर जगह पाया जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, हर नर्सरी में मिल जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये आमतौर से नहीं मिलता है। बहुत ढूंढने पर ये मुझे मिला है और मैं इसको बहुत संभाल कर रख रही हूँ। वैसे तो ये ईजी ग्रोइंग प्लांट है लेकिन ये आमतौर से नर्सरीज में मिलता नहीं है और छोटे शहरों में तो ख़ास तौर से नहीं मिलता है। तो इसका नाम डेफिनबाचिया क्यों पड़ा, क्योंकि हम ये पॉइजनस प्लांट है, अगर ये पेट या बच्चे के मुंह में चला जाए तो इससे थोड़ी देर के लिए आवाज़ बंद हो जाती है और मुंह से बात नहीं निकलती और इसके लिए हो सकता है आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़े। तो हम इसको बच्चों के और पेट्स की पहुँच से दूर रखेंगे। इसलिए बस इसका इतना ही इसके लिए ध्यान रखने की बात है, वरना ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये डेफिनबाचिया का प्लांट भी पसंद आया होगा जो बहुत इजी ग्रोइंग है और ना कुछ मांगता है ना कुछ कहता है और एक कोने में आपके घर की खूबसूरती बढ़ाता है। तो फिर ले आइए एक डेफिनबाचिया का प्लांट और लगा दीजिए। ये भी कोई कम खूबसूरत नहीं है, थोड़ा सा ये और घना हो जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आज का वीडियो यहीं तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।